अभी शंतनु का स्टेम सेल थेरेपी होके दो महीने हुए हैं और उसमें बहुत चेंजेस आए उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आया है उसका हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हुआ है और उसका अटेंशन स्पैन भी बहुत अच्छा हुआ है तो वो एक जगह पे बैठ सकता है अभी नहीं तो वो पहले जैसे घूमता रहता था घूमता रहता था अभी वो एक जगह पे बैठ रहा है और उसका आई कॉन्टेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है जैसे वो देखता है तो अभी हम हमसे बोलते वक्त वो नज़र से नज़र मिलाता है और अपने बहन के साथ भी वो इतने अच्छे से अभी कोऑर्डिनेट कर रहा है उसके साथ भी खेलता है तो हमें बहुत खुशी है कि हमने ये डिसीजन लिया मुझे उसके साथ बहुत खेल और रहने में बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त भी उसको पसंद करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ही वॉज टेकिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी इवन बिफोर ही टुक द स्टेम सेल थेरेपी हियर Now, occupational therapy in tandem with stem cells has shown us so much positive results. Like when uh, earlier he was very aggressive, he used to hit his uh, sister, he used to not be able to play with his uh, neighbors and all because he was very aggressive and his social activities were very limited. But now, after stem cells, his aggression has come down, his tolerance towards other people has come down, his uh, initiation of uh, social activities has improved. Uh, his attention has improved, his concentration has improved, his uh, uh, you, even uh, cognitive skills as well as perceptual skills like figure ground perception has improved. So, all this is making him much more adaptive and much more, uh, you know, in he has a proper place in society where you know they can accept him as one of their own. This helps in his, it helps in improving his quality of life, which is finally what we want. टेम सेल थेरेपी होने के बाद अभी आज छः महीने हो गए और शंतनु में बहुत इम्प्रूवमेंट है उसका हाइपर एक्टिविटी पहले से आधा हो गया है और बहुत कम है नहीं के बराबर है और उसका हैंड राइटिंग भी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसका आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है पहले जैसे वो कभी डांसिंग तो मैंने देखा ही नहीं था शंतनु का अभी वो डांसिंग भी अच्छे से उसमें भी इंटरेस्ट लेता है म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट लेता है और कपड़े का फोल्डिंग करता है जैसे पहले वो कभी रूमाल का तक फोल्डिंग नहीं कर पाता था अभी वो ब्लैंकेट का फोल्डिंग आराम से कर लेता है सब्जी काटने में मुझे हेल्प करता है और उसका और बाकी चीज़ों में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है जैसे इमोशन क्वेश्चन भी उसका बहुत बड़ा है कि अभी वो आके प्यार से हमें झपकी देता है जैसे माँ आ, या पापा हो तो उनको आके ऐसे झपकी देता है या कभी बाहर पापा गए बाहर गाओ तो वो पूछता है कि मम्मी पापा क्यों नहीं है घर पे कब आएंगे वो राह देखता है कि कब आएंगे मेरे पापा घर पे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे में हमारे लिए इतना प्यार आया है, है करके अपने बहन को भी वो पहले मारता था जैसे उठाने के वक्त तो उसके आँख में हाथ डालता था अभी वो उसको प्यार से उठाता है उसके उसके बहुत सारे ऐसे प्यार करता है उसको ऐसे किसी लेता है <kans kilka d offers'> तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि अपने बहन के साथ भी ये अच्छे से खेल रहा है उसकी फ्रेंडों के साथ भी वो अच्छे से खेलता है ये हमको बहुत अच्छा लगता है तो उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए